श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन अध्याय 5 देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, मैंने तुम्हें गजेंद्र मोक्ष लीला का वर्णन किया है जो सुनने में बहुत ही पवित्र है। भगवान की इन लीलाओं के बारे में सुनकर व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है। अब मैं रेवत मनु का वर्णन कर रहा हूँ, कृपया उसे ध्यान से सुने। तामस मनु के भाई रेवत पांचवे मनु थे। अर्जुन, बलि और विंध्य उनके पुत्रों में प्रमुख थे। हे राजा, रेवत मनु के युग में स्वर्ग के स्वामी को विभु कहा जाता था। देवताओं में भूतरय आदि थे और सात ब्राह्मण हिरण्यरोमा, वेदशिर और ऊर्ध्वबाहु आदि सात लोकों के अधिपति थे। शुभ्र और उनकी पत्नी विकुंठा के योग से भगवान वैकुंठ अपने स्वांश देवताओं के साथ प्रकट हुए। भगवान वैकुंठ ने धन की देवी लक्ष्मी रमा को प्रसन्न करने के लिए उनके अनुरोध पर एक अन्य वैकुंठ लोक की रचना की, जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं। यद्यपि भगवान के विभिन्न अवतारों के महान कार्यों और दिव्य गुणों का अद्भुत वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। परंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई पूरे ब्रह्मांड के परमाणुओं को गिन सके तो वो भगवान के गुणों की संख्या बता सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है। इसीलिए कोई भी भगवान के दिव्य गुणों की गणना नहीं कर सकता। चक्षु के पुत्र को चाक्षुष के नाम से जाना जाता था, जो छठे मनु थे। इनके कई पुत्र थे, जिनमें से पुरु, पुरुष और सुद्युम्न प्रमुख थे। चाक्षुष मनु के राज करने के समय में स्वर्ग का राजा मंत्रद्रुम के नाम से जाना जाता था। देवताओं में आप्यगण थे और महान ऋषियों में हविष्मान तथा वीरक प्रमुख थे। इस छठे मन्वंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु ने अपने एक अंश के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म वैराज की पत्नी देवसंभूति के गर्भ से हुआ और उनका नाम अजित था। अजित ने क्षीर सागर का मंथन करके देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। वे कछुए के रूप में वो महान मंदरा पर्वत को अपनी पीठ पर ढोकर इधर उधर चलते फिरते थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे परम ब्राह्मण शुकदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? वे कच्छप रूप में पानी के भीतर क्यों रहे और मंदर पर्वत को क्यों संभाला? देवताओं को अमृत कैसे प्राप्त हुआ? सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपा करके भगवान के इन सभी अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। मेरा हृदय, जो भौतिक जीवन की तीन दयनीय अवस्थाओं से विचलित है, वह तब भी तृप्त नहीं होता जब आप भक्तों के स्वामी भगवान के यशस्वी कार्यकलापों का वर्णन करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब द्वैपायन पुत्र शुकदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और फिर परमेश्वर की महिमा का और वर्णन करने का प्रयास किया। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने युद्ध में देवताओं पर अपने सर्पों से हमला किया तो बहुत से देवता मारे गए और उन्हें फिर से जीवित नहीं किया जा सका। उस समय हे राजन, दुर्वासा मुनि ने देवताओं को शाप दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से पीड़ित थे और इसलिए अनुष्ठान नहीं किए जा सक रहे थे। उसके प्रभाव बहुत गंभीर थे। अपने जीवन को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। तब सभी देवता एक साथ इकट्ठा हुए और सुमेरु पर्वत की चोटी पर चले गए। वहां भगवान ब्रह्मा की सभा में उन्होंने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उन्हें अवगत कराया। ये देखकर कि सभी देवताओं से प्रभाव और शक्ति छीन ली गई और परिणाम स्वरूप तीनों लोक अशुभ हो गए हैं, ये देखकर कि देवताओं की स्थिति अटपटी है, जबकि सभी दानव पनप रहे हैं, ब्रह्मा जी जो सभी देवताओं से ऊपर हैं और अत्यंत शक्तिशाली हैं, ने अपना मन भगवान पर केंद्रित किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होकर उनका चेहरा चमक उठा और उन्होंने देवताओं से इस प्रकार बात की। ब्रह्मा जी बोले, मैं शिव जी, तुम समस्त देवता, दानव, पसीने से जन्मे प्राणी, अंडों से जन्मे जीव, पृथ्वी से उगने वाले पेड़ पौधे और भ्रूण से उत्पन्न सभी जीव, सभी भगवान से, उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुण अवतार से और ऋषियों से, जो मेरे ही अंश हैं, उत्पन्न हुए हैं। अतः
हम सभी को उस भगवान के पास जाना चाहिए और उनके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के लिए कोई भी वध्य या रक्षणीय या उपेक्षणीय या पूजनीय नहीं है। फिर भी समयानुसार सृष्टि, पालन और संहार के लिए वे अच्छाई, जुनून या अज्ञानता के गुणों में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। ये जीवों के सद्गुण को जागृत करने का उचित समय है। सद्गुण भगवान के शासन को स्थापित करने के साधन के रूप में काम करते हैं, जो सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखेंगे। इसलिए भगवान की शरण लेने के लिए यह उचित अवसर है, क्योंकि वे देवताओं के प्रति स्वाभाविक रूप से बहुत दयालु और प्रिय हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से हमें सौभाग्यशाली बनाएंगे। हे समस्त शत्रुओं के नाश करने वाले महाराज परीक्षित, भगवान ब्रह्मा के देवताओं से वार्तालाप के समापन के पश्चात वे उन्हें अपने साथ भगवान विष्णु के धाम में ले गए, जो इस भौतिक जगत से परे है। भगवान विष्णु का धाम क्षीर सागर में स्थित श्वेत द्वीप नामक द्वीप में है। श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को पहले कभी नहीं देखा था, तथापि उन्होंने वैदिक साहित्य से भगवान के विषय में सुना था, इसलिए उन्होंने स्थिरचित होकर वैदिक साहित्य में वर्णित स्तुति उसी प्रकार चढ़ाई जैसी वैदिक साहित्य में लिखी या मान्य है। ब्रह्म जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अविकारी असीम परम सत्य, आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। आप सर्वव्यापी हैं, इसलिए आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं है, नी संदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से ग्रहण नहीं कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। आप सभी के परम स्वामी हैं, अतः आप सभी के आराध्य हैं। हम आपको विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं। भगवान जी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकतावादी विद्या के अज्ञान से मुक्त हैं। अतएव मैं उन भगवान जी के चरण कमलों की शरण लेता हूँ, जो नित्य सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल हैं और तीनों युगों सत्य त्रेता तथा द्वापर में अपने षडैश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। भौतिक क्रियाकलापों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा ही होता है। रथ के पहिए की 15 तीलियां होती हैं, जिनमें से 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 प्राण हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम रथ के पहिए के केंद्र होते हैं। प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार रथ के पहिए की बाहरी परिधि का निर्माण करते हैं। बहिरंग भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति के समान घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया अपनी धुरी या केंद्रीय आधार भगवान के चारों ओर बड़ी तेजी से घूमता है, जो परमात्मा और सर्वोच्च सत्य हैं। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। भगवान शुद्ध सत्व में विराजमान हैं, इसलिए वे एकवर्ण ओमकार हैं। भगवान दृश्य जगत से परे हैं, जिसे अंधकार माना जाता है, इसलिए वे भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देते। फिर भी समय या स्थान से वे हमसे अलग नहीं हैं, बल्कि वे हर जगह मौजूद हैं। अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर वे उन लोगों द्वारा रहस्यमय योग शक्ति के माध्यम से पूजे जाते हैं, जिन्होंने व्याकुलता से मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम सभी उनके प्रति अपना सम्मानपूर्ण प्रणाम अर्पित करते हैं। कोई भी भगवान की माया से परे नहीं जा सकता है, जो इतनी प्रबल है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन का लक्ष्य समझने की अपनी बुद्धि खो देता है। लेकिन वही माया उन भगवान के वश में रहती है, जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। चूंकि हमारे शरीर सत्व गुण से बने हैं, इसलिए हम देवता भीतर और बाहर सत्व गुण में स्थित हैं। सारे संत भी इसी प्रकार स्थित हैं। इसलिए यदि हम स्वयं भगवान को नहीं समझ सकते, तो उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो तमोगुण और रजोगुण में स्थित हैं? वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं? हम उनके चरणों में अपना सिर नवाते हैं। इस धरती पर 4 तरह के जीव हैं, जिन्हें उन्होंने बनाया है। पदार्थों से बनी सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी हुई है। वे महान परम पुरुष हैं और ऐश्वर्य और शक्ति से भरे हुए हैं। वे हम पर प्रसन्न रहें।
संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति जल से हुई है और जल का कारण ही सारे जीव स्थित हैं, जीवित रहते हैं और विकसित होते हैं। ये जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए इतनी महान शक्ति रखने वाले भगवान हम पर प्रसन्न हों। सोम चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न बल और लंबी आयु का स्रोत है। वो सभी पेड़ पौधों का स्वामी और सभी जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है। सभी ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न हों। अनुष्ठानों के समय आहुति स्वीकार करने वाली अग्नि भगवान का मुंह है। समुद्र की गहराई में भी संपत्ति उत्पन्न करने के लिए अग्नि विद्यमान रहती है और पेट में भोजन पचाने और शरीर को बनाए रखने के लिए कई तरह के रस उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि रहती है। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हों। सूर्यदेव उस मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं जिसे अर्चिरादि वर्तम कहते हैं। वेदों के ज्ञान का मुख्य स्रोत हैं, परम सत्य की पूजा का स्थान है और मुक्ति का द्वार है। वे अमर जीवन के स्रोत हैं और मृत्यु का कारण भी हैं। वे भगवान की आंख हैं। सर्वोच्च ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हों। हवा से सभी जीवित प्राणी जंगम और स्थिर अपनी जीवन शक्ति शारीरिक शक्ति और अपना जीवन प्राप्त करते हैं। हम सभी अपने जीवन शक्ति के लिए हवा का पालन उसी प्रकार करते हैं जैसे सेवक राजा का अनुसरण करते हैं। वायु की जीवन शक्ति सर्वोच्च भगवान के मूल जीवन शक्ति से उत्पन्न होती है। भगवान हमसे प्रसन्न रहें। परम शक्तिशाली भगवान हमसे प्रसन्न रहें। कान उनकी विभिन्न दिशाओं को उत्पन्न करते हैं, दिल शरीर के छिद्रों को और नाभि प्राण इंद्रियां, मन शरीर के भीतर की वायु और शरीर को आश्रय देने वाला आकाश उत्पन्न करती है। स्वर्ग का राजा महेंद्र भगवान के सामर्थ्य से बना था, देवता भगवान की दया से बने थे, शिवजी भगवान के क्रोध से बने थे और ब्रह्मा जी उनकी संयमित बुद्धि से बने थे। सभी वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए थे और ऋषि और प्रजापति उनकी जननेन्द्रियों से बने थे। ऐसे अत्यंत शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। सूर्यदेव के वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृलोकवासी, स्तनों से धर्म और पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। स्वर्गलोक उनके सिर से और अप्सराएं उनके इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हों। भगवान के मुख से ब्राह्मण और वैदिक ज्ञान निकले, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय और शारीरिक शक्ति निकली, उनकी जांघों से वैश्य और उत्पादन व धन का ज्ञान निकला और वेद ज्ञान से अलग रहे शूद्र उनके चरणों से निकले। ऐसे भगवान जो पराक्रम से पूर्ण हैं, हम पर प्रसन्न रहें। लोभ उनके निचले ओट से, प्रेम उनके ऊपरी ओट से, काया की कांति उनकी नाक से, पशुओं वाली कामुक इच्छाएं उनकी स्पर्श इंद्रियों से, यमराज उनकी भौनों से और शाश्वत काल उनकी पलकों से उत्पन्न होता है। वे सर्वोच्च भगवान हम सब पर प्रसन्न हों। सभी ज्ञानी लोग कहते हैं कि पांच तत्व शाश्वत समय फलदायी कर्म प्रकृति के तीन गुण और इन गुणों से उत्पन्न विभिन्न किस्में ये सभी योग माया की रचनाएं हैं। इसलिए इस भौतिक जगत को समझना बहुत कठिन है, लेकिन अत्यधिक ज्ञानी लोग इसे त्याग देते हैं। जो सभी वस्तुओं के नियंत्रक हैं, ऐसे भगवान हम सभी से प्रसन्न रहें। हम उस सर्वोच्च ईश्वर को शिरोधार्य प्रणाम करते हैं जो पूर्णतः मौन है, प्रयासों से मुक्त हैं और अपनी उपलब्धियों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वे अपनी इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत की गतिविधियों से आसक्त नहीं होते। निसंदेह इस भौतिक जगत में अपने लीलाओं को संपन्न करते हुए वे अनासक्त वायु की तरह ही रहते हैं। हे भगवान, हम आपके चरणों में समर्पित हैं, फिर भी हम आपको देखना चाहते हैं। कृपा करके अपने मूल रूप और मुस्कुराते हुए कमल के चेहरे को हमारी आंखों को दिखाएं और हमारी अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दें। हे भगवान, सर्वोच्च व्यक्ति, आपने इच्छानुसार युग युगों से विभिन्न अवतार लिए हैं। इस दौरान आप अद्भुत कार्य करते हैं और ऐसे असामान्य कामों में शामिल होते हैं जिन्हें हम जैसे साधारण प्राणियों के लिए कर पाना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। कर्मीजन अपनी इंद्रिय सुखों की पूर्ति के लिए हमेशा धन इकट्ठा करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी कठोर मेहनत के बावजूद भी उन्हें संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते। निस्संदेह कभी कभी तो उनके काम के नतीजों से निराशा ही हाथ लगती है।
लेकिन जो भक्त अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देते हैं, वे बहुत कड़ी मेहनत किए बिना ही पर्याप्त परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये परिणाम भक्तों की अपेक्षाओं से भी बढ़कर होते हैं। भगवान को समर्पित प्रयास, फिर चाहे वे छोटे ही क्यों ना हो, व्यर्थ नहीं जाते। परम पिता होने के कारण भगवान हमारे बहुत करीब हैं और जीवों के कल्याण के लिए हर समय कार्य करने को तैयार रहते हैं। जब वृक्ष की जड़ में जल डाला जाता है तो वृक्ष का तना और शाखाएं स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बनता है तो इससे प्रत्येक व्यक्ति की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान सभी के परमात्मा हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप नित्य हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य की काल सीमा से परे हैं। आप अपनी लीलाओं में रहस्यमय हैं। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक दोषों से मुक्त हैं। आप तीनों गुणों के नियंता हैं, लेकिन इस समय आप सद्गुण के पक्ष में हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं।